जमशेदपुर के साक्ची थाना के अंतर्गत मोहम्मद लाइन में रहने वाली शबाना खातून नामक महिला ने स्वर्णरेखा नदी के ब्रिज से छलांग लगाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वह ब्रिज के जाली पर चढ़ी, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। इनकी 3 बेटियाँ हैं। उधर महिला को मारपीट कर घर से बेघर कर दिया गया है। कई बार यह मामला प्रशासन तक भी पहुँचा, लेकिन थाना प्रभारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में थक हार कर यह महिला नदी में कूद कर जान देने पहुंची। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। समीम राजा। जेड आपके और हस्बैंड का क्या नाम है? कलीम राजा। कहाँ रहते हैं आप लोग? सांची मामाडल लाइन। और मायके कहाँ आपका? मेरा मायके आजाद बस्ती में है। कितना साल हुआ शादी का? 9 साल हो गया है। क्या परेशान नूरजा ऐसा करने आ गए? क्या कर रही है सर, वो हमेशा में से लड़ाई मेरे ननद को सिखाते कि जा मारा। एक बार ननद लो भी मारा पीटी की थी तो कंप्लेन किए थे। ननद लो भी मेरा साथ नहीं देती, उसी का साथ देके मेरे साथ लड़ाई झगड़ा बहुत इन तरह हिस्सा। हम लोग काले मेरे 3 बेटी अब कहाँ जाएंगे? महिला थाना में भी आप शिकायत की थी? थे हम सर। कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। आज कल क्या हुआ? कल भी मेरी बात बोले कि मेरा बहुत मेरा सर पे कर्जा है, कैसे भी तुम लोग करो मेरे लिए, मतलब कुछ नहीं देंगे, निकलो मेरा घर से। कौन? मेरा जेड बता, निकलो, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। हमने मेरा बाल बच्चा का क्या होगा, बता निकलो तुम लोग, तेरा कोई हक नहीं है। जेड कहाँ रहता है? जेड रहता है वहीं पे। क्या नाम है आपका? शबाना खातून। तो आप कितने बच्चे हैं? 3 बेटी है मेरी, 1 बेटी को छीन लिए। कौन छीना है? मेरा जेड। आप कितने बजे निकल गए घर से? अभी निकले थोड़ा देर पहले से, लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है। तो सुसाइड करने क्यों आ गए आप? आपको प्रशासन से न्याय लेना चाहिए। लोग समाज के लोग, समाज के लोग से मिलती हूँ। कोई नहीं सुनता, नहीं सुनता, तब नहीं जान देता अपना।